नमस्ते फ्रेंड्स, सपनाज रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम बनाएंगे स्टफ्ड अंडा पराठा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनता है, और इसका बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक गिलास, इसमें हम एक अंडा फोड़ देंगे। और बस इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो, स्वाद के अनुसार नमक, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हरा धनिया। इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसको बहुत अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। यहाँ ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो मैंने यहाँ लिया है जो रोटी के लिए हम डो गूंथते हैं, बस वही डो हमने यहाँ लिया है। और रोटी के लिए जितनी हम लोई लेते हैं उससे थोड़ी छोटी लोई हम लेंगे। इसको आटे में लपेटेंगे और बस रेगुलर रोटी हम बेलते हैं उसी तरह की रोटी हमें बेलनी है। हम थोड़ा सा बेलेंगे, इसको हमें तेल या घी लगाना है। मैंने यहाँ एक चम्मच तेल डाल दिया है। इसको हम इस तरह से फैलाएंगे, इसके ऊपर हम आटा डाल देंगे, लगभग साइड साइड की तरफ से हमें आटा डाल देना है ताकि इसके परते अलग हो जाए। इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल और आटा डाल देंगे। इसको किनारों पे हम आटा डाल देंगे और फिर से एक बार हम इसको फोल्ड करेंगे और बस इसको आटे में लपेटेंगे और फिर से एक बार हम इसे बेलेंगे। ये पराठा हम ट्रायंगल आकार में ही बेलने वाले हैं, आप चाहे तो गोल आकार भी इसको दे सकते हो। बिल्कुल रोटी की तरह हमें बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना इसे, बस मीडियम आकार का हमें इसे बेलना है। और इस तरह से ये पराठा बेल के हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ मैंने पहले से ही तवा गरम करने के लिए रख दिया है, इस पर ये पराठा हम डाल देंगे। और बस एक दो बार इसे पलटने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से रोटी हमारी फूल जाएगी। और रोटी फूलने के बाद इसके लेयर्स अपने आप अलग हो जाएंगे। यहाँ हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और इस तरह से कलचे की सहायता से इसके लेयर्स को हम अलग करेंगे। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरह से ये अंडे का बैटर हम इस पराठे में डाल देंगे और बहुत सावधानी से ये करना है, बैटर हमारा बाहर नहीं आना चाहिए। और जैसे जैसे ये पराठा हमारा गर्म होगा वैसे ही अंदर का बैटर हमारा जम जाएगा। और बस थोड़ा सा तेल या घी हम साइड से डाल देंगे और अब हम पराठे को पलट देंगे। फिर से एक बार हम दूसरी साइड तेल डाल देंगे और इस तरह से ये देखिए पराठा हमारा बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। पराठा फूलने के बाद ये बीच में तो अच्छे से पक जाता है, लेकिन इसके किनारे हमें बहुत अच्छी तरह से कलचे से दबा दबा के इसको सेकना है। मीडियम आंच पर हम इसको सेकेंगे तो ये बहुत कुरकुरा बन जाता है, ऊपर से कुरकुरा और अंदर से एकदम मुलायम, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरह से ये पराठा हमारा दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गया है। बस इसको अब हम बीच में से कट करेंगे। मैंने यहाँ एक पराठे में एक ही अंडा डाला है, आप चाहे तो दो अंडे का मिश्रण भी इसमें डाल सकते हो तो बहुत ही फूला फूला और स्पंजी बन जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो हमारा पूरा बैटर पूरे पराठे में बहुत अच्छी तरह से फैल गया है। तो आप भी स्टफ्ड पराठे की रेसिपी को ज़रूर बना कर देखिए और इसका मज़ा लीजिए, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने अपलोड की हुई रेसिपी का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।